बीजे एक बच्चा है इधर छोटा सा उतर नहीं पा रहा है मेरा दिमागी होता था मुझे पहले से यार मान गया अब तो देखो पोग नेत्रत्व है लेकिन ये करण भाई साहब ऊपर नहीं आ रहे को मेरे पीछे मत बैठो मेरे को बेकार थोड़ी थोड़ी थी मैं ले जाऊंगी थोड़ी ओ तो जरा सा एक टायर चढ़ गया सीट बेल्ट निकाल रही थी कौन होनी नो ध्यान रखो इको टेकनी हुई दाए तू इकी नहीं की तू बात है सेते बापू ने सोचा बापा ने वो चिंता तुझे एक कर जो बहुत सारे पके हैं वो नीचे गिर गए तुम गिरना मत नहीं मैं नहीं गिरूंगी वो सिर्फ मजाक कर रहे हो मैंने बहुत अच्छे से पकड़ा है डोंट वरी मैं नहीं गिरूंगी नहीं मैं नहीं उसको तुम इतनी लंबी हो कैमरे में भी नहीं आ रही इधर मेरे को कैमरा करना पड़ रहा है ओम को मैं साथ बात करनी है तो ऊपर देखना पड़ता है क्यों ये ले लो ओए ये क्या रखो ये ट्रेन कहां से पीप पीप ये देखो इसको नीचे मत गिराना हां हेड को बस का ऊपर मुक्ता चालू ये देखो ये क्या है ये कच्चे कच्चे देखो कच्चे चिक 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 देखो इधर पाकल बेगा थोड़ा आता है ये इतना नुकसान नहीं चलता बाटी कोई बहुत नुकसान कर रहे हो आप लटका उसो था अजय उसो आको ने वाले दे दे पगा को ने वाले बीजी कोरा बीजे फोड़ में हमें ये एक बच्चा है इधर छोटा सा उतर नहीं पा रहा है पास हो गया मैं कि मेरा दिमागी होता था मुझे पहले से यार मान गया अब तो देखो पोग नेत्रत्व है लेकिन ये करण भाई साहब ऊपर नहीं आ रहे भर्ती हुई मैंने आपको एक नाम सोचा है क्या रिस्की वुमेन क्या रिस्की वुमेन आप रिस्क ही लेते हो ऐसे ऐसे देखो उधर चढ़ने के ना मेरे को तो आप दिख रहे लेकिन कैमरा में दिख रहे या नहीं पता है कुछ नहीं चल रहा ए भट्टी हां आहे ना आज हम हाव हल मु लाइक घ्या भाई भाई रिस मतलब आहे ना मामा जी नो बोल के बहुत पटक रहे हैं ए हां મારે આઈમાં એક ફેટા ઉતરી છે ભાઈ ભાઈ કિને પાડવા જાય છે અભી યે સારે મે લેકે આઈ ઉપર સે બહોત મીઠે તો મમ્મી ને બહોત હી સારે રાવણા જામુન પાપા કે લિયે ये जो एक्स्ट्रा नीचे गिरे वो इसमें मिट्टी इतनी ज्यादा आ जाती है चलो अब हमें जाना है ना खेत में ओम कहाँ पे है पूजा देखो ओम? ये मुझे और रामदेव मामा को दोनों को ये नीचे गिरे होते हैं वो बहुत पसंद है रामदेव मामा भी सुबह बोलते जो नीचे गिरे होते हैं वो मीठे होते हैं ये ऑक्सीमीटर जब लखू भाई को कोरोना था बहुत ही ज्यादा यूज किया है ऑल द टाइम हाथ में रखते थे अभी ओम खुद का चेक कर रहा है ना 99 आ रहा था ना अभी हाँ ये कुछ वेफर्स बनाई है यहाँ पे और ये जो भाभी एक ऑलवेज बनाते हैं जो भाभी के भी फेवरेट है और मुझे भी अच्छे लगते हैं जो हम गुड़ वाले लड्डू बनाते हैं वो गर्मी हुई ना बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आपको पता है दो दिन से सुबह ना मेरा पूरा मुँह टमाटर जैसा हो जाता है इतनी छींकें आती हैं ऐसे क्या तो यहाँ पे राउंड एंड राउंड चला रहा है करण ट्रैक्टर और वहाँ से पापा आ रहे हैं ट्रैक्टर लेके पूजा को चलाना है
अभी आ रहा है दूसरा। यहाँ पे ये मूंग भर के लेके आए, फिर इसको ऐसे मैश करके फिर ऐसा रेडी होता है। देखा तुमने कैसे प्रोसेस होती है पूरी? पहले ऐसे मूंग होते हैं, फिर ऐसे करते हैं। नहीं, वो एक्स्ट्रा पत्ते हैं, वो निकाल देते हैं। और इसमें मूंग है, देखो देखो, इसमें साथ में मूंग है। फिर इसको थ्रेसर मशीन में अलग करेंगे, समझ में आया? अच्छा, मेरा वीडियो कटोल था ना, मुझे लगा। अच्छा हुआ, खुद का म्यूजिक ही चलाओ, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, इसलिए तो वही किया। हाँ, गुड। ओके, देखो अभी नीचे आएंगे हम। देखो मूंग, 3 2 1 वो क्या लटक रहे ऊपर? वो पुश कर रहे हैं, बता रहा। कहते हैं कि अगर सामने आपको खुद की मौत दिखे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते को निभाने के लिए हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि पूजा मुझे लास्ट 10 बार से बोल रही है कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। लेकिन चला लेगी, सब कुछ सीख लेना, गाड़ी, घोड़ा, ट्रैक्टर, बाइक, लेकिन आराम से। हाँ, इतना फास्ट भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। नहीं, होता कभी कभी हो जाता है। ओके, एंड भाभी को भी साथ में लिया है। होगा तो हम तीनों को होगा। मेरी को हंसा मत। हंसाने से क्या होता है? सो हम सही सलामत घर पहुंच गए हैं। पूजा, थैंक यू फॉर वेलकम। नहीं, अच्छी चल रही है तुमने, लेकिन अभी धीरे धीरे सीखना, क्योंकि जब हम नए नए सीखते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम गियर चेंज करते हैं ना, तो हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है, तो आगे का वो बैलेंस बिगड़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे। तो अभी दादा से सिखा रहे हैं कि गियर पे नहीं ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही देखे बिना ही चेंज करना चाहिए। हाँ, ध्यान तो देना चाहिए, सिर्फ उस तरफ देखना नहीं। हाँ, मतलब देखना तुम नहीं, अगर 80 की स्पीड में जा रहे हो और फर्स्ट गियर में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी गाड़ी सीधी उड़ेगी वहाँ से। कितने दिनों से ये दोनों मम्मियाँ मिले नहीं थे, सो आज मिले हैं। 2-3 महीने हो गए। लखू भाई को कोरोना हुआ था, उससे पहले मिले थे। क्या हुआ है कि वो राउंड एंड राउंड चलाना है ना, हाँ, ट्रैक्टर, तो वो भाई बोलने आया था कि ट्रैक्टर चलाने का टाइम हो गया, तो मुझे और पूजा को चलाना था, तो पूजा दौड़ के गई है कि चलो करण को नहीं बताना है, मैं चला के आती हूँ। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ किया हुई है कि इसकी कीज ओम करण के पास है। देखो देखो, देख रही है। दैट्स माई लिटिल प्रो, दैट्स माई लिटिल मास्टर। मेरे पास कीज है। Yes, that's the secret. अभी भारती हुई ट्रैक्टर चला रहे हैं, और इधर है ओम। Thank you.
तुमने बहुत अच्छे से ट्रैक्टर चलाया, ओके? हाँ। मजाक करती हूँ अलग बात है, लेकिन अच्छी बात है, आता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही सीखते रहो। हाँ, वो तो मैं रोज नहीं। हाँ, लेकिन मतलब जब चलाते हैं तब हमारा ट्रैक्टर सबसे पहले साइकिल सीखी, फिर ट्रैक्टर, फिर स्कूटी, फिर बाइक और फिर कार। रेडी कर रहा है खाना छोड़ियों के लिए। हम आ गए लक्कू भाई के घर से वापस। आपा को छोड़ दिया? आपा तो आधा काम खत्म कर चुके। पहले आपा को थोड़ा सा बचेगा, वो मीना का वो दूध निकाल लेते, बाद में टीलू का दूध, बाद में वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो अभी आपा ने टमी फुल कर लिया है। आपा चलो अभी मैं जाती हूँ, ठीक है, उसका दूध निकालने के लिए। तुम यहाँ पे रहना, पीछे मत आना, वहाँ पे यहाँ पे मस्ती कर लो, करनी है वो। इतना दूध निकला है इसका, बस हाफ लीटर जितना होगा शायद। अभी ये तीनों यहाँ पे आई हुई है क्योंकि आपा और राता यहीं रहती है पूरा दिन, टीलू होती है मीरा के साथ। अभी मिल्किंग के टाइम पे भी आभा खुली होती है, आभा आ गई अंदर तो वो यहाँ। हाँ नहीं, अभी उसको दूध की कुछ नहीं पड़ी, वो दूध के पास जाएगी भी नहीं, लेकिन वो घूमती रहती है, उसको मतलब पूरी फ्रीडम मिली हुई है, कहीं भी घूमती है लेकिन बाहर नहीं जाती, वैसे आसपास ही रहती है, गायों के आसपास, राधा के साथ होती है ज़्यादातर। अभी दोनों में दोस्ती अच्छी हो गई है तो साथ में ही दोनों रहती है जहाँ भी रहती है। अच्छा, इनसे क्या होता है कि इनको एक कंपनी भी मिलती रहती है, और थोड़ा सा होता है छोटे अगर है तो बड़े वाले खाना खाने में उसको थोड़ा सा वो करते, लेकिन ये तो राधा भी इतना खुद ज़्यादा नहीं खाती तो ठीक है, आभा भी खा लेती है साथ में, वरना क्या होता है कि बड़ी गाय जो होती है छोटी को खाने नहीं देती, मारती है, ऐसा होता है। लेकिन अभी इसके हाँ। साथ तो राजा सीख गई कि दूध पी लेती है तो ज्यादा उसको कुछ खाने की पड़ी नहीं होती। तो अभी ओम जा रहा है चक्कर लगाने के लिए, है ना? हाँ। गुड बाय बाय। राम देखो कितने दिन से अभी तोरी की राइडिंग नहीं हुई थी, है ना, तो आज फाइनली हो गई अच्छे से। ये राइडिंग जो लोग करते होंगे उनको ही होगा, ये एक नशा है, फिर जब आप रेगुलर राइड करते हो और उसके बाद कुछ टाइम ना मिले। मैंने कल ही भारती को बोल दिया था कि कुछ भी काम हो कल मैं राइडिंग करूँगा, मतलब करूँगा, एक ही इमरजेंसी में मैं राइड नहीं करता। मुझे अब जब मेरा प्लान हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल का काम हो या कोई बीमार हो तभी, बाकी कितना भी नुकसान हो जाए जब राइड है तो राइड है, क्योंकि इसका अलग सा एक पैशन है, ये जुनून है। अभी थोड़े दिन का काम था, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब रेगुलर लेके जा सकते हो। अभी जब तक बारिश आएगी तब तक कुछ इतना ज्यादा नहीं है, और गाड़ी बाइक कितने के भी हो घोड़ी घोड़ी होती है। तोरी कितने दूर गए थे? बहुत बड़ा राउंड लिया, लेकिन मतलब अभी क्योंकि इसको सातवां महीना चल रहा है, बहुत सी कॉमेंट थी कि राइड क्यों कर रहे हो, घोड़े या प्रेगनेंसी में 10 महीने तक राइड कर सकते हो, और राइड का वो जो होता है शेड्यूल वो चेंज होता है, मतलब उसको सिर्फ वॉक कराना ज़्यादा होता है, दौड़ाते नहीं इतनी, सिर्फ वॉक करवाते, लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में राइड करवाना, तो जिनको नहीं पता उनको ये जवाब मिल जाएगा। क्या दिन होते हैं उसमें नहीं, लेकिन 10-11 महीने की प्रेगनेंसी में भी राइड कर सकते, और इसको वजन से कोई इश्यू नहीं होता, इसके ऊपर बैठ सकते आराम से, क्योंकि बहुत ताकतवर होते हैं घोड़े। ये जिनको नहीं पता उनके लिए है, बाकी जो घोड़े रखते हैं उनको पता ही होता है। जो भी रूटीन हम करते हैं वो करना ही चाहिए प्रेगनेंसी में भी, फिर वो हेवी है तो हेवी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये स्लो है तो लो कर। यहीं पे रह के बोर हो जाते हैं, राइड में जाना जितना हमें अच्छा लगता है इतना ही घोड़ियों को अच्छा लगता है, अगर सही राइडर हो। और तोरी तो पागल होती है जब मैं राइड में उसको लेकर जाता हूँ, उसको मजा आता है। लेकिन अभी थोड़ी सी ठीक हुई है इसकी हेल्थ,
शायद अच्छे से खा रही है। आप लोगों को आवाज आ रही होगी वहाँ से, शिवानी अभी कर रही है, उसका उसकी बारी है कल शिवानी की। कमिंग। ओके शिवानी, बस अभी वो आ गई है वापस, ठीक है शिवानी। तो यहाँ पे स्किन केयर चल रहा है शायद, कितने महीनों के बाद। भारती बोधर नहीं करती इतना जैसे नॉर्मल लड़कियां करती है ना। हाँ। क्योंकि मैंने नहीं देखा इसको इतना ज्यादा लुक आफ्टर करती हो, लेकिन आज शायद वो आईब्रो पता नहीं क्या क्या कुछ करवाने गई थी तो चमक रही हो वैसे भी। ये इसकी वजह से नहीं, वैसे भी चमक रही हो तुम, यू आर स्टार। तो ये लगा, और हमारी गुजराती में बोले तो उसको बोलते चांदलियू, लेकिन किसी को आप बोलो कि यू आर तारोड़िया, इट्स फनी। हमारे में अगर किसी को बोलेगी कि आप तो चांदलिया जैसे हो तो मतलब फनी होता है। ये लगा रही है, ये रो रहा है, अभी मैं काट के आई बत्ती लेके, क्योंकि थोड़ा ये अच्छा होता है बालों के लिए भी, अच्छा स्किन के लिए भी, रामदेव को लगा देती हूँ, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। नींबू भी लगाना चाहिए, स्किन क्लीन कर देती है पूरे, ठीक है। और आज टिप्स भी दे दूं, मैं कई महीनों के बाद कर रही हूँ तो खुद कभी कभार ही लगाते हो आप, टिप्स तो नहीं दे सकते। हाँ, और टमाटर है वो भी आप ऐसे घिस सकते हो। सो ये सारी जो घर की चीजें वो करनी चाहिए। अगर ओम नहीं है यहाँ पे, अभी मम्मी पापा खाना, ओम सो गया है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, खाना खाने के बाद सीधा सो जाता है, कोई मस्ती नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो 9 बजे सो जाता है, 8 बजे, हाँ 8 बजे 8:30 बजे ही सो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि खाना खाने के बाद ओम का एटलीस्ट 1 घंटा तो यहाँ पे होता है मम्मी पापा के साथ। और करता क्या है, तीनों लोग क्या करते हैं कि ये टिकल्स करता है, पापा इसको टिकल्स करते हैं, लेकिन इसको भी बहुत होते हैं टिकल्स। लेकिन उसका एक बोलने का वो है, सेंटेंस बता दो कौन सा है। धमाका अच्छे से बोलो, फ्रेंड्स को बोलो कि ये धमाका गीते में नहीं कमाएंगे, ये इसका स्लोगन है, धमाका भमाका गीती मिनी, मतलब हम गुजराती में इस टिकल्स को गीती मिनी बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते, गुदगुदी, इट्स गुदगुदी। तो ये इसका 1 आवर या कभी कभार बढ़ भी जाता है, लेकिन पापा के साथ ये क्या करता है, पापा को ऊपर जाएगा फिर उसको गिराएगा, ये करता रहता है, फिर मम्मी के पास आता है। और टिकल्स हमारे घर में सभी को होता है, मुझे छोड़ के, मुझे नहीं होते बिल्कुल भी, पैरों में ना हाथों में ना कहीं पे भी टिकल्स होते ही नहीं है बिल्कुल। तो इसकी मेरे पास चलती नहीं है कुछ, मुझे टिकल्स करने आता है फिर खुद ही वो बोर होके चला जाता है। अभी कर दो, वीडियो का एंड करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। ये ज्यादातर यहीं पे होता है ओम दिन को भी, मम्मी पापा और ओम तीनों यहाँ पे ज्यादातर होते हैं, 5 बजे के आसपास ही निकलते हैं यहाँ से, और सुबह 11 बजे से फिर ये अंदर आ जाते हैं। ओम वीडियो एंड कर दो, चलो Hold on.